आरिस कौन है आप? निकल जाओ मार जाएगा। निकल आरिस अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूँ सदर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वो क्या होगा। मेरे साथ है मुकास भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग मौजूद हैं एक ऐसे फार्म हाउस पे जो कि एक गांव में मौजूद है, जिसे गांव पिंडीवाल कहा जाता है। ये गांव लाहौर के एक इलाके में मौजूद है और इस इलाके में मैं जिस गाँव में खड़ा हूँ, पिंडीवाल इस गाँव का नाम है, और इस गाँव में एक ऐसा पुरसरार फार्म हाउस यानी एक घर बनाया गया था जहाँ पर उन्होंने अपनी रहाइश के लिए इस जगह को तमीर किया था। लेकिन इस जगह को तमीर करने से पहले ये मेरे बाएं और दाएं अकब यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था। इस कुएं को बंद करके इन्होंने इस फार्म हाउस को बनाया, जिसके ज़ेरे असर यहाँ पर असरात और यहाँ पर गैर मरई मखलूकात का इतना ज़्यादा बसेरा हो चुका है कि इस जगह को खाली कर दिया गया। तो आइए हम देखते हैं कि वो क्या होगा। आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। अभी हम इस गांव में एंटर हुए ही हैं तो लोगों ने हमें पूछा कि आप उसी फार्म हाउस की तरफ जा रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कहानियां मुंसलिक हैं। तो ये हम गांव के पीछे वाले इस साइड एरिया से आए हैं। तो ये फार्म हाउस है जिसकी ये मेरे ख्याल से जो स्विमिंग पूल वगैरह बनाया हुआ इन्होंने, और ये पूरा का पूरा घर है। इर्द गिर्द आबादी बहुत ज़्यादा दूर है, कह नहीं सकते कि 2-3-4 घर छोड़कर घर हैं, लेकिन 1 किलोमीटर दूर तकरीबन आबादी है। तो ये आप सामने देख रहे हैं, ये वो घर है। तो हम इस घर की तरफ जाते हैं और यहाँ पर ये भी बड़ी बात बकास मशहूर है कि यहाँ पर जानवर आपको मरे हुए मिलते हैं। जानवर का भी बताया मरे हुए। ये देखें, एक कौवा है जो यहाँ पर मरा पड़ा हुआ, और कहते हैं कि दिन के वक्त यहाँ पर बेशुमार आपको परिंदे जो मरे हुए मिलते हैं इन दरख्तों के पास। और ये दरख्त है ये फार्म हाउस के पास, इस फार्म के पास है। और ये कौवा देखें मरा पड़ा हुआ है यहाँ पर। चलें ये जी आपके सामने घर है जो कि बिल्कुल ही नई कंडीशन में है, लेकिन यहाँ पर अब रहता कोई नहीं है। ये अंदर से आवाज़ आई है जी, आवाज़ आई है, अंदर कोई रहता नहीं है। बड़े खूबसूरती से बनाया गया घर। बिस्मिल्लाह। काफ़ी खूबसूरत है फार्म हाउस। खूबसूरत हाँ काफ़ी लग रहा है, लेकिन खौफ यहाँ पर खौफ पर नज़र आ रहा होगा। इर्द गिर्द कुछ भी नहीं है। एक वो वॉशरूम है मेरे ख्याल से। पहले हम बाहर का एरिया सारा कवर करते हैं। और अच्छा देखें, दरवाजे वगैरह खुले हुए हैं सारे। खास उधर कोई है जैसे आवाज आई हो इधर इस जगह भी अंदर से भी आवाज आई है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा जैसे यहाँ पर कोई चीज थी।
ये कोई है? ऐसे क्या हुआ? दरवाजे की ना से भी आवाज है, ये दरवाजा बंद हुआ है। यहाँ पे कोई नहीं है। इर्द फार्म हाउस के सारे इर्द गिर्द ये सारे दरख्त ही हैं। एक वो बोर्ड का दरख्त भी था उधर। एक दो ये भी दरख्त पीछे हैं। कुआं बंद करने के बाद जो मामला तो है वो दरख्तों ने घेरा हुआ है ये फार्म हाउस। ये पकड़ो, ये खूबसूरत है ना, वो गुलाब के फूल भी लगे हैं। कहाँ पे वो देखे ना, गुलाब के फूल भी लगे हुए हैं। पर ये लेकिन ये सूख रहे हैं अभी। हाँ सर भाई जी, सूख रहे हैं ये गुलाब के फूल। चलो इस तरह सुनते हैं, देखें कि नीचे का जो एरिया सारा ही काला हो चुका है, यहाँ पर आता कोई भी नहीं है। सूरत लिए आवाज आ रही है पीछे। कौन था अभी पीछे? ये ताला लगा हुआ है, तो मुझे कुछ जाली भी लग गया है। जब मेन दरवाजे बंद किए हुए हैं इन्होंने, ये भी बंद किया हुआ दरवाजा। कौन है? कोई है क्या इधर? अंदर से आवाजें आ रही हैं इस तरह। चलिए अंदर। ये सुन रहे ये आवाज यहाँ पर आ रही है लगातार। यहाँ पर वॉशरूम है जो काफी ज्यादा वेल फर्निश्ड घर है, ये जो कि हॉन्टेड है। लेकिन जगह खाली पड़ी हुई है। स्मेल है। ये बाहर से बाहर है, खिड़की के पास कौन है? खिड़की ली है। चलो बाहर खिड़की ले ली है। कौन था? खिड़की ले दी अभी। निशान ही देखो कैसे वैसे लगे हैं इधर हाथों के, ये जैसे पंजा पंजा नहीं है ऐसे वाला। लेकिन हमें यहाँ पर अभी तक कुछ दिख नहीं रहा। चार फिंगर हैं ये, चार पांच पे नहीं है पूरी। चलो आगे चलते हैं। ओ क्या हुआ? बच्चे का हाथ। ये बच्चे का हाथ, बच्चे का हाथ यहाँ पर कैसे आता है? ये देखो ना, बच्चे का हाथ है ये। ये क्या? ये क्या?
हरीश कोई भाग है अभी? ये देखो जगह जगह पे ये हाथों के निशान है। इंदर सिंह का ओखो है। चलो आओ दोबारा। ये अंदर से आवाज आई है। कौन है? काफी ज्यादा पुरानी चीजें यहाँ पर रखी हुई हैं। कौन था यहाँ पे अभी? चलो जी का फेस तरफ हो गया। कौन है इधर? कौन है आप? कौन हो आप? ओ खिड़की बंद हो रही है। कौन से वो दे अंदर जैसे कोई ना चल रहा है। चलो ये देखो क्या ये चेयर के लिए बोर्ड है। ये देख, ये देख कौन है दरवाजे के पास? उधर पीछे 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 किस तरह से दिखा रहा है वो प्राइम देखो जैसे तुमने पकड़ा हुआ हो। कौन है इधर बाहर कपड़े पे? कौन है ये कुछ चीज है इधर। कौन है इधर? आवाज भी आ रही भाई अभी पूरी तरह जैसे पकड़ा है किसी ने। वो देखा भाग के बाहर से देख बच्चे की आवाज भी आई था। कौन है ये? पकड़ा था किसी ने।
वो देख वो देख वो देख वो देख कुर्सियां नहीं है किसी ने ऐसे जैसे चेयर पे कोई बैठा है क्या हो सकता है चेयर पे कोई बैठा है देखना पड़ेगा अभी चलो कौन कौन है इधर कौन है आप इधर से आ गए कौन है इधर दरवाजा बंद हुआ है दरवाजा बंद हुआ है कौन है अंदर इसको क्या हुआ लॉक लग गया कोई भी नहीं है दरवाजा कैसे बंद हो अंदर से ना कोई पानी है लेकिन अंदर से लोगों की आवाजें नहीं आ रही जैसे कि बोल रहा हो घर खाली है वो देख सुन रही है पूरे देख घूम कर के आए रिकॉर्ड हुआ मुंह दे यहाँ पर बहुत ज्यादा गंदगी है लेकिन इतनी मतलब यहाँ पे कीड़े हैं मुझे बाथरूम से स्मेल नहीं आई लेकिन दिल मतलब आने लग गया और अंदर था कौन गया आपके सामने तो बता रहा है कि वो टॉयलेट तो यूज़ ही नहीं हुआ सालों से जितनी उसकी हालत खराब है अंदर से बदबू नहीं आई लेकिन कोई चीज़ एंटिटी थी जिसने दरवाजा बंद किया ये जब हम आए थे ये चेयर का फेस हमारी तरफ था हाँ फिर अब उधर हो गया ये टेढ़ा हो गया थोड़ा सा ये हमारी तरफ था बिल्कुल ये स्ट्रेट फेस ऐसे पड़ी हुई थी ये ऐसे भी चेयर वो चेयर हुई है ना कॉल हाँ जी आवाज़ किसकी है किस चीज़ के काफ़ी ख़राब मामला है इस फार्म हाउस के क्या चीज़ है पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है देखो सामने चलो ओह तलवार है ये वो देख कपड़ा पीछे ला तलवार है यही कैसे पकड़ी अच्छी है मुझे तो लगता है कि हमें यही इसलिए कहा जा रहा है कि मां के ना आए हाँ जी चलो फिर जाते तो हैं कौन है यहाँ पे तलवार का इशारा आप समझे वो देख 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 कोई भी चीज़ नहीं है उसके साथ ये इसको यहाँ पे रखने का मतलब ये है कि रास्ता बंद है आगे ना जाओ एक मिनट मुझे लग रहा है चेयर पे कोई बैठा है चेयर का इधर होना और तलवार का उधर होना कोई बैठा है रास्ता बंद करके बैठा है कोई क्या आप चेयर पे बैठे हैं क्या आप हमें सुन सकते हैं वो देख वो सामने थोड़ा ये हिलता है बाहर करो उसको ध्यान से बिस्मिल्लाह
करना। मेरी तो अच्छी खासी बदनी है। अच्छी खासी बदनी है।